तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम पिवट के कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। ये जो मैंने फाइल आपको भेजी थी कल, वो ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको दिया था। जैसे कि पहला जो सी एक्सरसाइज है, इसमें देखिए, यू हैव लिस्ट द रिपीटिंग ग्रुप नेम यूजिंग द पिवट टेबल, काउंट द हाउ मेनी टाइम इच ग्रुप कीप अपेयरिंग द लिस्ट की पिवट टेबल टैब। तो बेसिकली क्या है कि इसमें ए हमारे पास डेटा है जो कि 312 है। इसमें एक ग्रुप जो है, एक पर्टिकुलर ग्रुप नेम है, कई बार रिपीटेड है। मुझे पिवट टेबल के जरिए सबसे पहले तो ए निकालना है कि सिंगल लिस्ट, और साथ में कौन सा ग्रुप कितना बार रिपीटेड है। तो मिलिंद जी ने तो अच्छा तरीके से निकाला है, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा। पिवट टेबल पे हम जाएंगे। अब यहाँ देखिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट है, जैसे मिलिंद जी ने किया है कि इन्होंने इसी सीट पे निकाल दिया है, नई सीट जनरेट नहीं किया है। तो आप यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जब क्लिक करेंगे तो नई सीट जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हमने ग्रुप नेम को उठा के रो में रखा और वापस ग्रुप नेम को उठा के मैं वैल्यू में रखा। यहाँ एक चीज कवर नोट कर लीजिए कि आप किसी एक फील्ड को आप फिल्टर कॉलम रो में से किसी एक में रख सकते हो, लेकिन इसमें आप कई बार रख सकते हो। ठीक है सर। अच्छा उदय जी, लास्ट क्लास में हमने पिवट टेबल का कौन सा टॉपिक किया था? ग्रुपिंग था ना, सॉर्टिंग ग्रुपिंग बगल किया था। नहीं, ग्रुपिंग करना है सर आज। अच्छा चलिए, तो अब इसमें हम टेक्स्ट ग्रुपिंग की बात करते हैं। जैसे आपने लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद आपको पता चला कि इसमें जैसे कि एक आपका ए जो कंपनी है, ग्रुप ए है, और एक आपका ए है मतलब कि पैटीज पार्सल है, ये दोनों एक ही है। तो दोनों का टोटल दिखाना है आपको। तो आप कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें, और आप इसको ग्रुप कर दे तो दोनों एक जगह हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा अलग दिख गया, यहाँ ग्रुप वन दिख गया आपको सर। देखिए यहाँ पे ग्रुप नेम वन एंड टू आ गया आपको। तो जो ग्रुप नेम वन है, मतलब ग्रुप नेम है, उसको यहाँ से आप हटा दीजिए। तो ये आपका ग्रुप वन आ गया। अब यहाँ पे जो ग्रुप का नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। ठीक है। तो किसी अगर आप कोई पिवट टेबल बनाते हैं, अगर उस पिवट टेबल में कोई पर्टिकुलर ग्रुप आपको कोई पर्टिकुलर ग्रुप आपको देना है, मतलब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है और एक ही नाम के दो रिपीटेशन है, तो उसमें इस तरह के ग्रुपिंग हम दे सकते हैं। ठीक है सर। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपने हटा दिया है क्या सर? हाँ यहाँ पे, हाँ दूसरा क्वेश्चन है, इसमें थ्री है। जैसे ये आपका ग्रुप सेगमेंट है, रेवेन्यू है, और ये आपका एक्सपेंस है, मतलब कितना अर्न हुआ और कितना एक्सचेंज हुआ। इसमें आपका दिया हुआ है कि ये आर द थ्री सेगमेंट, देयर इज पेस्ट द थ्री सेगमेंट दैट ऑल ग्रुप पुट इनटू द बिग मीडियम एंड थिनी यूजिंग द पिवट टेबल, क्लियर पिवट टेबल डिस्प्ले रेवेन्यू इच सेगमेंट। तो सबसे पहले आपने यहाँ आपने जो पिवट टेबल लगाया है सर, इसमें आपने रेवेन्यू को उठा के सम में रखा है, ग्रुप सेगमेंट को आपने यहाँ रखा हुआ है, गुड। उसके बाद यहाँ पे है कि यूजिंग पिवट टेबल क्लियर पिवट टेबल डिस्प्लेइंग द रेवेन्यू फॉर इच सेगमेंट। तो आपने इसको क्यों बनाया फिर? क्योंकि ये जो हमारा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ही काफी है ना सर, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। लार्ज डॉलर अमाउंट ओवर 100 सो आर टाइपिकली शो विथ जीरो डेसिमल।
तो यहाँ पे आप डेसिमल्स का ए लगा दीजिए, रहा डेसिमल्स, ये रहा आपका डेसिमल प्लेसेस। उदय जी समझ में आ रहा है आपको? नजर आ रहा है। तो ए आपका हुआ, अब तीसरा इसमें ए आपने रखा। अब जैसे मान लीजिए यहां पे आपका ये दिया हुआ है, तो हमने अभी टैक्स ग्रुपिंग के बारे में बात की थी। अब मान लीजिए इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की चीज बताता हूँ आपको मैं। अब यहाँ पे है, मेक ए पिवट टेबल शोइंग द ईच सेगमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, मेक अ शो यू बोथ रो हेडर एंड कॉलम हेडर हैव अ सम ऑफ मंथ लेफ्ट मोस्ट कॉलम। ओके, हियर द कॉलम द एडजस्टमेंट द पिवट टेबल रेपुटेशंस रेवेन्यू एक्सपेंस द ओके। इसमें डॉलर टाइम का डेसिमल प्लेसेस आपने डाला हुआ, सही है, और इसमें आपका सेगमेंट और आपका मेंबर मंथ यहाँ डाला हुआ है कि कितने महीने का वो मेंबर है, दिख रहा है सर आपको? तो यहाँ पे आपने जो ये टोटल डाला हुआ इसको रख सकते हैं, ये सेम जो मैंने बताया उसमें आपने किया है। अब इसमें एक चीज और सीखी है, नंबर की ग्रुपिंग, कि अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से होता कि मुझे एक स्लैब वाइज बताइए कि 10 से 20 में कितने कितने हमारे सेगमेंट है, 20 से 25 में कितने सेगमेंट है, 20 से 30 में या 30 से 40 में, ऐसे 10-10 का ग्रुप मुझे चाहिए, तो कैसे होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पिवट टेबल पे जाते और यहाँ पे हम मेंबर मंथ को रखते रो में और रेवेन्यू को यहाँ रहते हैं इसमें। फिर मैं इसको राइट क्लिक करता और ग्रुप पे जाता। अब यहाँ पे क्या है, कैन नॉट ग्रुप दिस सेक्शन, क्यों? क्योंकि इसमें ब्लैंक है। तो आप याद रखिएगा, जब भी आप ग्रुप करते हैं, अगर आपका डेटा में आपका ब्लैंक है तो आप ग्रुप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आखिर ब्लैंक क्यों है, सही तो है। एक बार मैं इसको यहां रखता हूं और दोबारा से बनाता हूं। यहाँ पे हमने पिवट टेबल लिया, एजेक्शन वर्कशीट में मैंने यहीं पर रख दिया एंड ओके। और फिर मैंने यहाँ पे मेंबर को रखा। अब देखिए इसमें ब्लैंक नहीं है। अब मैं रेवेन्यू को रखता हूँ यहाँ पे, अब कोई ब्लैंक डेटा में नहीं है। अब मैं इसको ग्रुप कर सकता हूँ। ग्रुप देखिए, मिनिमम आपका 4 है, मैक्सिमम 100 है, ऑटोमेटिकली आ गया। आप चाहो तो इसको कर सकते हो कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100, या अपने हिसाब से कुछ भी इसमें कर सकते हो जो आप रखना चाहो। फिर मैंने इसको ओके किया। अब देखिए 0 से 9 इतना है, 9 से 10 से 19, 20 से 29, ये आपका 10-10 का स्लैब आ गया। उदय जी समझ में आया आपको? हाँ जी समझ में आया। इस तरह से आप स्लैब का जो है वो आप कर सकते हो। और इसमें आपने टेक्स्ट ग्रुप और नंबर ग्रुप दो सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि क्रिएट द कॉलम एंट्रीज नेट इनकम एंड लॉस, दिस कॉलम विल बी रिप्रेजेंट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मेक ए पिवट टेबल रिप्रेजेंटिंग द ईच सेगमेंट and subdivision by revenue expense and net income, use the row header and column header. अब यहां पे एक चीज देखिए, हाँ इसमें
इन्होंने, अच्छा बिग मीडियम एंड स्मॉल, ब्लैंक इन्होंने हटा दिया हुआ है, ब्लैंक नहीं रखा हुआ है, और सब डिवीजन आपके ये है, हाँ इसके ब्लैंक आप चाहो तो हटा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए इन्होंने जो है सब डिवीजन रो को यहाँ पे ग्रुप सेगमेंट और सब डिवीजन यहाँ पे रखा है, और यहाँ भी उन्होंने अपने लिखा, एक मिनट, अब यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन किया नेट प्रॉफिट के लिए। अब यहाँ पे एक चीज जो है देखिए, कैलकुलेशन मतलब कि हमारा खर्चा इतना है और ये है तो कैसे होगा, चलिए इसको मैं बनाकर बताता हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट हम अगली क्लास में बताने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन में है तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। पिवट टेबल, और हमने एग्जिस्टिंग वर्कशीट को लिया और यहाँ पे इसको रख दिया। इसमें हमने पहले तो ग्रुप सेगमेंट को रखा रो में, और हमने डिविजन्स को यहां पे रखा, उसके बाद हमने, मुझे यहां पे नेट इनकम चाहिए, तो आप सबसे पहले तो ये इसको मैं टोटल यहां से हटा देता हूं, रिमूव सब टोटल, हाँ राइट। अब मुझे यहां पे इनके ये चाहिए, इनकम चाहिए, नेट इनकम चाहिए, तो मैं यहाँ पिवट टेबल के एनालाइज के फील्ड में गया, कॉलम फील्ड पे फील्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनकम, और इनकम में हमने यहाँ पे दिया कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस एंड ओके, ये आ गया हमारा, ये हमारा इनकम है, ठीक है सर। तो इनकम जब निकाल रहे हैं तो आप चाहो तो ये अपना सम ऑफ रेवेन्यू और सम ऑफ इनकम रख सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह से, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे देख रहा था तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या कैलकुलेशन किया हुआ है, तो मैं पिवट टेबल के एनालाइज में जाऊंगा और यहीं पे आपको देखिए लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा, एक सीट में मुझे यहाँ दिख जाएगा कि नेट प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस किया गया है। तो इस तरह से मैं कैलकुलेशन या फॉर्मूले को किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पिवट में देख सकता हूँ। पांचवा एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें सब डिविजन, ग्रुप सेगमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंस, सर्विस मंथ एंड पेड मंथ दो दिया हुआ है। तो यहाँ सर एक छोटा डाउट है, हाँ पूछिए, कैलकुलेटेड फील्ड अगर गलत आपने प्रिपेयर किया और डिलीट करना तो कैसे डिलीट करना पड़ेगा, मतलब कि उसी को ओवरराइट कर दीजिए, जैसे कि आप कैलकुलेटर फील्ड में आते हैं तो यहाँ पे फील्ड आपको सिलेक्ट करके या सिलेक्ट कर ले, तो लेकिन यहाँ देखिए डिलीट का आइटम ऐड गया, तो अब मैं यहाँ पे सेम नाम टाइप करूंगा इनकम, इनकम करते ही डिलीट हमारा एक्टिवेट हो गया, हमने डिलीट पे क्लिक कर दिया, डिलीट हो गया, समझ गया सर? हाँ सर समझ गया। तो ये हमारा पेड है, अब यहां पे लिखना है कि मेक ए पिवट टेबल फॉर एक्सपेंस बाय सर्विस मंथ एंड पेड मंथ जक्स बिग ग्रुप ऑफ सेगमेंट, तो इसमें फिल्टरिंग का भी इस्तेमाल किया गया। अब तो इसके लिए आपको पहले फिल्टरिंग मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद ये समझ पाएंगे। देखिए तो जैसे कि यहां पे मान लीजिए कि मुझे मंथ बाय चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सर्विस मंथ को उठाया और यहाँ पे रखा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि पेड मंथ, सर्विस मंथ एंड पेड मंथ को चाहिए, तो सर्विस मंथ हमने यहाँ को, सर्विस मंथ हमारा मेन है तो हमने सर्विस मंथ को यहाँ रखा, और हमने सर्विस मंथ के जस्ट बगल में
हमने रख दिया अपना सर्विस नहीं पेड मंथ। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि हाँ एक बहुत सारे कॉलम बन गए, क्यों बताता हूँ आपको मैं इस यहाँ पे बेसिकली क्या था कि आपके डेटा के अंदर जो आप देख रहे हो डेटा में आपके जो डे मंथ है, मंथ नहीं ये डेट फॉर्मेट है, आप देख रहे हैं डेट फॉर्मेट है। तो इसलिए जैसे डेट फॉर्मेट पे काम करोगे तो इस तरह के ग्रुप बन जाएगा। तो राइट क्लिक करके अगर मैं इसको पहले अनग्रुप कर देता हूं और इसको भी अनग्रुप कर देता हूं तो इस तरह से दिखेगा, और ये टोटल हटा देता हूं। लेकिन अगर आप चाहो ग्रुप करना तो आप इस पे ग्रुप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि डेट आया हुआ है उसको मंथ वाइज ग्रुप करना है तो राइट क्लिक करके आप ग्रुप पे चले जाइएगा तो आप ग्रुप कर सकते हैं मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, डे वाइज। डे में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि एक दिन का या 15 दिन का, जितने दिन का गैप लेना चाहो उतने दिन का गैप आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन इसका क्वेश्चन कहता है इसमें सिर्फ बिग सेगमेंट चाहिए। तो देखिए फिल्टर जो है ना दो तरह का होता है, मतलब कि एक तो आपका डेटा का फिल्टर आपका है, जैसे मैं रेवेन्यू एक्सपेंस ले लेता हूँ तो मुझे अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ का फिल्ट्रेशन चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग फिल्टर चाहिए तो मैं यहाँ ले सकता हूँ। उसी तरह से आप अगर इसका पेड मंथ के अकॉर्डिंग करना चाहो तो उसका फिल्टरिंग कर सकते हो और यहाँ से डाल सकते हो। लेकिन मुझे ओवरऑल डेटा को फिल्टर करना है तो उस केस में हम यहाँ पे पेज फिल्टर लेते हैं। तो अपने ग्रुप सेगमेंट को हम रखेंगे पेज फिल्टर में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम बिग, क्योंकि हमारा होता है कि हमें बिग का चाहिए तो हमने बिग सेलेक्ट किया और हमारा रिपोर्ट निकल गया बिग का, ठीक है। अब मैं यहां से जो भी सिलेक्ट करूंगा वो आपको यहां से दिखेगा। सर सर एक डाउट था मुझे। सर कल मैं ग्रुपिंग जो कर रहा था ना मेरे उसमें मेरे एक्सेल में ग्रुपिंग नहीं हो रहा था ये मंथ्स का, तो क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये हो सकता है क्योंकि आपके डेटा में ब्लैंक रहा होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम नंबर ग्रुप कर रहे थे तो नंबर हाँ तो उसमें ब्लैंक था जिस कारण से ग्रुप नहीं हुआ, तो मैंने इसको कॉपी करके अलग सीट पे ले आके फिर से पेस्ट किया फिर ग्रुप किया ना। तो अगर आपके डेट में इसमें नंबर हुआ तो ग्रुप नहीं होगा, इसका ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। बाकी सेम है, अलग अलग पिवट है जिसमें आपका ग्रुप बिक का चाहिए एंड रेवेन्यू एक्सपेंस बाय सब डिविजन और सेम जो मैंने बनाया ना उसी को अलग अलग इसमें चाहिए, अलग अलग पेज फिल्टर में चाहिए, खास नहीं है आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा में चाहिए बिकॉज तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सेम वही है बट इसमें मल्टीपल इसका हिसाब से है, इसमें से एक रोमन कैटलॉग जो है इसको एक्सीड करना है, इसको नहीं रखना है फिल्टर में, तो यहाँ से हमने फिल्टर यहाँ पे हटाया हुआ है, सिंपल है। तो इसमें आप एक साथ कैसे मल्टीपल ले सकते हो। क्वेश्चन कोई बड़ी नहीं थी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, ये तो रहने दीजिए क्योंकि समीफ का पार्ट है तो समीफ तो आगे बताएंगे हम आपको। तो ओवरऑल जो ये पिवट है ये आपका कोई खास पिवट नहीं था, नॉर्मल था। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पिवट टेबल में हम ग्रुपिंग को और कैसे डील करें। तो चलिए सॉर्टिंग, मूविंग, फिल्टरिंग, ग्रुपिंग के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं अलग डेटा पे अपने तरीके से। जैसे अब डेटा है, अब इस डेटा पे मान लीजिए हमने पिवट टेबल लगाया, ओके करता हूँ। अब इस पिवट टेबल में मान लीजिए कि मैंने प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी का टोटल लिया तो इसमें हमें पता चला कि जो हमारा सीआरटी है, जो हमारा टीएफटी है, डब्ल्यूएम है, ये हमारा स्क्रीन है, तो ये तीनों एक जैसा होना चाहिए।
इन तीनों को हमने कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके हम यहाँ पे ग्रुप करेंगे। तो ग्रुप करते ही क्या हो जाएगा कि ये तीनों इकट्ठा हो जाएगा, बाकी यहाँ पे आ जाएगा, उसका दो यहाँ पे फील्ड बन जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट था तो ये प्रोडक्ट टू बन गया। तो आप दोनों को रखना रखे, अगर नहीं तो पहले वाले जो प्रोडक्ट था उसको यहाँ से आप रिमूव कर दे, तो ये आपको यहाँ पे ग्रुप वन आ गया। अब मैं यहाँ पे इसका नाम स्क्रीन कर देता हूँ, तो इस तरह से स्क्रीन हो गया। तो ए हो जाते ये हमारा हो गया ग्रुपिंग फॉर द टेक्स्ट। लेकिन अगर मैं यही जानना चाहूं कि हमारे पास क्वांटिटी आता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस रेंज की क्वांटिटी पे कितनी रेवेन्यू जनरेट होती है, मुझे ये पता करना है। तो नंबर के भी आप जो है इसी तरह से कर सकते हैं कि आप नंबर को उठाएंगे, क्वांटिटी को उठाया मैंने और यहाँ पे रखा और रेवेन्यू को यहाँ पे रख दिया, और इसको आप अपने हिसाब से राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हो। जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करोगे, मिनिमम और मैक्सिमम आपके डेटा के हिसाब से आ जाएगा। आप इसका यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका डेटा कल के बढ़ता घटता रहता है, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, उसी हिसाब से आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हम डेट की ग्रुपिंग करें, जैसे कि मान लीजिए कि आपका डेटा डेट वाइज है, बट मुझे रिपोर्ट चाहिए मंथ वाइज, कि मंथ वाइज टोटल सेल कितना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे डेट यहाँ रखते हैं, तो डेट आपका अगर डेट फॉर्मेट में होगा तो ईयरली इस तरह से दिख जाएगा। लेकिन ये हर बार नहीं दिखता है, या यहाँ पे देखो किसी ईयरली, मंथली, क्वार्टरली सब आ रहा है, हमें सिर्फ मंथली चाहिए यहाँ पे। तो राइट क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे इसको पहले तो अनग्रुप करूंगा, फिर राइट क्लिक करके फिर मैं ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करूंगा मंथ वाइज, यहाँ पे मंथ, क्वार्टर, एक से एक या एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो। मंथली नहीं, मान लीजिए मेरा 15 दिन का चाहिए टोटल, कि एवरी 15 डेज क्या है, तो मैं डेट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे 15 दिन या हफ्ता जो भी करना चाहते हैं। जैसे हफ्ते वाइज करना है तो हफ्ते वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हो 7 दिन का, तो ये हफ्ते वाइज रिपोर्ट निकल गया, हर एक हफ्ते का सेल यहाँ पे निकल गया। तो इस तरह से आप एक पीरियड के हिसाब से समरी को कर सकते हो। ये तो रही ग्रुपिंग की बात। अब ग्रुपिंग के बाद हम बात करते हैं शॉर्टिंग की। जैसे मान लीजिए कि मैं पिवट टेबल बनाया और पिवट टेबल में मान लीजिए कि मैं सेल्स पर्सन के हिसाब से अगर मान लीजिए हम सेल्स देते हैं, तो आप इसको राइट क्लिक करके शॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग, डिसेंडिंग या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में। जिसकी जिस कॉलम पे करेंगे वो उसके हिसाब से शॉर्ट होगा। वैल्यू पे करोगे तो वैल्यू के हिसाब से, और कॉलम पे करोगे तो इस पे डेट फील्ड पे, तो फील्ड के हिसाब से। लेकिन अगर दो फील्ड हुआ, जैसे मैंने मान लीजिए कि प्रोडक्ट भी इसके अंदर रख दिया सब कैटेगरी में, अब मैं प्रोडक्ट के आगे ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करके शॉर्ट करता हूँ, तो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपने हिसाब से शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर में ये बाहर की तरफ चेखाई ना, ऐसा नहीं कि WM 2600 ज्यादा है या कम है तो नीचे चला जाएगा, नहीं, वो इसी के अंदर में रहेगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग राइट क्लिक शॉर्ट करूं तो जितने भी नेम है वो नेम हमारा शॉर्ट होगा। तो इस तरह से वो कैटेगरी और फील्ड को देखते हुए शॉर्ट करता है। शॉर्ट के बाद हम बात करते हैं मूव का। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि पुनीत सबसे टॉप पे रहे, तो मैं राइट क्लिक किया, पुनीत को गया और यहां से मैं मूव कर दिया फॉर द बिगिनिंग या अप, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो किसी भी फील्ड, किसी भी आइटम की पोजीशन आप शॉर्ट करते हो तो अल्फाबेटिक या फिर नंबर के हिसाब से होता है। आप अपने हिसाब से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपने ऑर्डर में, और सेम आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रोडक्ट को रख दिया यहाँ पे और मुझे इसको शॉर्ट करना है, तो राइट क्लिक करके मैं यहीं पे शॉर्ट कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से आपका वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, इस तरह से शॉर्ट आप कर सकते हो। जिस पे सर्च करोगे उस पे उसी के अकॉर्डिंग वो शॉर्ट करेगा। शॉर्टिंग के बाद हम बात करते हैं फिल्टर की। और फिल्टर की बात करें, मान लीजिए इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो यहीं पे सिलेक्ट करके आप अपने फिल्ट्रेशन को हटा सकते हो, वो आपका फिल्टर हो जाएगा। तो फिल्टर में दो चीजें, एक तो टिक मार्क यहाँ लगा सकते हो,
या दूसरा आप वैल्यू फिल्टर में जाके आप यहाँ पे अपनी कंडीशन दे सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह वगैरह जो कंडीशंस है, ये वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू है टोटल इसके अकॉर्डिंग चलेगा। लेवल करोगे तो फिर वो लेवल है जैसे नेम वगैरह है उस पे एप्लीकेबल होगा। और ये आपका रो फिल्टर है और यहाँ आपका कॉलम फिल्टर है, आप कॉलम को भी उसी हिसाब से फिल्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरी पेज को मतलब पूरी पिवट टेबल को अपने हिसाब से करना चाहते हो आफ्टर देन आपको यूज करना होगा, जैसे मैंने मान लीजिए कैटेगरी है तो पेज फिल्टर, और पेज फिल्टर में कई सारे कंडीशंस ऐड कर सकते हो, जैसे मुझे सेल्स मैनेजर भी रखना है तो यहाँ से इससे ज्यादा करना तो इससे ज्यादा भी कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट के अंदर हमारा एक पर्टिकुलर सेल्स नीरज का क्या सेल है, तो आपको आ जाएगा। इस तरह से आपका डेटा फिल्टर होके मिल जाएगा। ठीक है सर, उदय जी समझ में आया? शरद जी हाँ समझ में। यस सर, यस सर। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जो फाइल हमने भेजी थी उस फाइल को प्लीज आप लोग उस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो कि है कैलकुलेशन। जैसे अभी आपने दो फील्ड को कैलकुलेट किया ना, वो कैलकुलेशन की पूरी पढ़ाई हम आपको कल बताएंगे। अभी फिलहाल कोई डाउट वगैरह या क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मुझे क्वेश्चन है। पूछिए सर, ये अपने मंथ का अभी जो ग्रुपिंग किया ना, हाँ, उसके अंदर मुझे मंथ एंड उसके साथ में ईयर चाहिए, तो मंथ और ईयर दोनों ले लीजिए। नहीं, ईयर उसके नीचे आएगा ना सर, मुझे उसके साथ में ऐसा चाहिए होता है, जैसे मार्च है, मार्च 18 चाहिए, मार्च 19 को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना? राइट क्लिक करके क्लासिकल पिवट टेबल कर दीजिए ना, अलग अलग कॉलम में आ जाएगा, अलग अलग कॉलम में आ जाएगा। ठीक है सर, क्लासिकल पिवट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है। यस सर, ओके, गुड नाइट। Thank you.